क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x मैट्रिक्स 2x3 1 2 -3 0 x3 = 0। ये आपकी मैट्रिक्स है और आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या बोल रहे हैं सर, क्या करना है मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स लेफ्ट साइड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो सेट इक्वल मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, एक्स में हमको क्या मिलेगा, एक्स में एक इक्वेशन मिलेगा। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया ये मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई इन टू मैट्रिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 1 × 2, इस ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट मैट्रिक्स। ये कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदर पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करें तो 2x × 1 जाएगा और प्लस 3 × -3। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर कम अब सेकंड कॉलम लीजिए जो 2 × 2x हो गया और प्लस 3 × 0 हो गया ना, ये हो जाएगा x3 = 0 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 2x − 9 = 4x + 0 × x3 x3 = 0 है ना। अब देखिए साइन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 2x − 9 × x फिर प्लस 4x × 3x 4x × 3x = 0 हाँ। फिर एक बार 4x × 3x 4x × 3x अब उसके बाद सेकंड पार्ट है जी। इस अब सेकंड पार्ट आपका क्या बताएं, सेकंड पार्ट जो है 18 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स x − 1 1 − 2 0 − 3 x3 = 0। देखिए x1 है, क्या है x1 है तो x अलग है, 1 अलग है, माइनस लगा रखा है इसमें, हाँ तो डिस्टेंस रखिए x1। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री मैट्रिक्स है तो तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और मल्टीप्लाई करके फिर हाँ हमको x में एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू है ना, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा बताओ। चलिए हम तो आंसर 18 पार्ट सेकंड। तुम मैट्रिक्स x1 फिर 1 0 −2 − 3 फिर क्या है x3 है ना। चलिए फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, x × 1 + 1 × −2 फिर कॉमा
x into 0 और plus 1 into minus 3, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा x 3 और ये null matrix से इधर आप 0 ले सकते हैं, 0 matrix ले सकते हैं। ये हो जाएगा x minus 2, 0 minus 3, x 3 and 0। तो हो जाएगा x minus 2 minus 3, x 3, 0। अब चले इसको जो है मल्टीप्लाई करते थे, x माइनस टू इंटू एक्स और प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री इसको जीरो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइन इसको जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थ्री एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव फोर ए सी अपॉन टू ए। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस टू होल स्क्वायर नेगेटिव फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो गया टू प्लस माइनस रूट ऑफ फोर प्लस एटीन अपॉन टू, है ना, फोर प्लस एटीन नहीं एटीन ये फोर है ना, तो फोर नाइन थर्टी सिक्स हो गया, थर्टी सिक्स हो गया। और फिर एक्स स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू टू प्लस माइनस रूट ऑफ फोर प्लस थर्टी सिक्स, फोर प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी हो गया ना, तो फोर्टी को लिखेंगे फोर इंटू टेन अपॉन टू, ठीक है। फोर ए सी माइनस नाइन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा टू प्लस माइनस टू रूट ऑफ टेन अपॉन टू, एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा वन प्लस माइनस रूट ऑफ टेन। ये आंसर देखिए, आंसर देखो, आंसर देखो, चलिए काफी।